हाय एवरीवन, आज मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कटल कटल को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे ऑयल में। ये हमारा फ्राई हो रहा है कटल। हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बस ज़्यादा हमें नहीं करना ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन, और इसको बाहर निकाल लेंगे जी। कटल हमारा हो गया है गोल्डन ब्राउन, अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। कटल के लिए हम जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, लहसुन, प्याज, टमाटर, नमक, हल्दी, गरम मसाला, बाकी जो भी आप मसाले यूज़ करते हैं आप ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला जीरा, हींग, हींग ऑप्शनल है, चाहे तो आप ना डालें। तो ये सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे अनियन, गार्लिक, इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर प्यूरी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम तब तक होने देंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे साइड में से। साथ ही इसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और रेड चिली हमारी रह गई, वो भी हमने मिक्स कर दी। मिक्स कर देंगे कि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने कटल मिक्स कर दिया। इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे। आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा पानी, और मुझे ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी तो मैं कम पानी मिक्स कर दूँ। ये हमारा कटल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस अब हम इसको कवर कर देंगे और एक सीटी आने के बाद इसको सिम कर देंगे। एक सीटी के बाद हमने गैस सिम कर दी थी और 10 मिनट बाद हमने बंद कर दी। तो हमारा कटल अब रेडी हो चुका है, हम आपको दिखाते हैं। ये कुकर हम खोल रहे हैं, इट्स लुक लाइक अ चिकन। जो लोग वेजिटेरियन है वो इसी में चिकन का स्वाद ले सकते हैं। तो हमारा कटल बन के रेडी है।
आप भी अपनी कटहल की रेसिपी मेरे साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे बताना अपने व्यूज़ कि मैंने कटहल कैसा बनाया है। थैंक यू सो मच।